मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मेरम्बम कोइरेंग के घर पर कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम से हमला किया। इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस नेता कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, वो 3 बार राज्य के सीएम रहे। इस घटना के बाद मणिपुर सरकार ने शनिवार को स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। एक अधिकारी ने बताया कि जिस समय बम विस्फोट हुआ उस समय बुजुर्ग परिसर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे, उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। विस्फोट से 13 साल की एक लड़की समेत 5 अन्य घायल हो गए। मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के बाद पहली बार ड्रोन हमला भी हुआ। 3 सितंबर को इम्फाल जिले के सेजम छिबांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किया था जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए थे। 1 सितंबर को कोतरू गांव में भी ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें 2 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए थे।